हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कहा था फाइनेंशियल प्लानिंग पे मेरा सेकंड वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तो आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के शेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए और किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है वो देखेंगे। सो ऑन योर स्क्रीन फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट पर, एट पार, ये शेयर का एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। एट पार मीन्स व्हाट, के इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, अगर शेयर का मार्केट वैल्यू और उसका फेस वैल्यू दोनों सेम है तो हम बोलेंगे ये इट इज़ कॉल्ड एज एट पार, ये शेयर एट पार हो गया क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू और उसका फेस वैल्यू दोनों इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू इज रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो रुपीज 100। नाउ व्हाट इज प्रीमियम, व्हाट इज एट प्रीमियम, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर दैन इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एज एट प्रीमियम, मतलब अभी शेयर का मार्केट वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू रुपीज 105। थर्ड वन, व्हाट इज at discount, if the market value of share is less than face value it is called as at discount again. For example face value rupees 100 and market value rupees 90, dekho abhi is share ka market value 100 se kam hai, iske liye at discount ho gaya. One more important concept, what is dividend, the part of annual profit of company which is distributed per share among shareholders इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड, मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप जैसे बहुत लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, तो जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ पार्ट वो आपको देती है, उसे कहा जाता है एज अ डिविडेंड। अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। सुरेश परचेज अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 10 एंड मार्केट वैल्यू रुपीज 25। सुरेश ने एक शेयर परचेस किया जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 25 रुपीज़ है। कंपनी डिक्लेयर 25% डिविडेंड, कंपनी ने 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो सुरेश को कितना डिविडेंड मिलेगा वो देखते हैं। दो क्वेश्चन है, हाउ मच डिविडेंड विल सुरेश गेट एंड फाइंड अ रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। हाउ मच डिविडेंड वो तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कितना हिस्सा सुरेश को मिलने वाला है ना। व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि सुरेश ने इस कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न में उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना रिवार्ड मिल रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। तो आज वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले डिविडेंड निकालेंगे। द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड इज फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। केयरफुली देख लो इधर, डिविडेंड निकालते समय कंपनी के मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता है, आपको फेस वैल्यू लेना होता है, कितने आपके पास शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स लेना होता है और जो भी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो आपको लेना है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। फेस वैल्यू रुपीज 10 था, वन शेयर सुरेश ने परचेस किया था और कंपनी ने 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सो आंसर आएगा रुपीज 2.50। सुरेश को उस शेयर से डिविडेंड मिलेगा 2.50। सुरेश का इन्वेस्टमेंट था 25 रुपीज़। देखो शेयर का फेस वैल्यू 10 है लेकिन सुरेश ने जब शेयर का मार्केट वैल्यू 25 था तभी उसे परचेस किया था, मतलब सुरेश का इन्वेस्टमेंट हो गया 25 रुपीज़। तो अब देखते हैं उसे रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा। फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। सो डिविडेंड सुरेश को मिला था 2.5 और उसका इन्वेस्टमेंट था 25 रुपीज़। सो 2.50 divided by 25 into 100 I will get his rate of return is 10%। देखो अगर ये 2.5 से मैं 25 को इधर डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट 10 एज अ डिनोमिनेटर, देन 10 से मैं 100 को डिवाइड करूँगा आई विल गेट 10%। तो फाइनल आंसर इज 10% सुरेश का रिटर्न हो गया। अब यही और अच्छी तरह देखते हैं, अगर वन शेयर के अलावा थोड़े ज़्यादा शेयर किसी ने परचेस कर लिए तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, विजय परचेस 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज़ 100 फॉर मार्केट वैल्यू रुपीज़ 120, कंपनी डिक्लेयर 20% डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड विल सुरेश गेट
एंड फाइंड रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखो उसने वन शेयर नहीं, इधर विजय ने 150 शेयर परचेस किए, अगेन फेस वैल्यू है 800 रुपीस लेकिन मार्केट वैल्यू है 120। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग डिविडेंड वी विल गिव इम्पोर्टेंस टू द फेस वैल्यू, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न वी विल गिव इम्पोर्टेंस टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सो लेट्स सी first of all how to calculate dividend. Again the formula, dividend is equal to face value into number of shares into rate of dividend. Face value 100 tha, 150 share purchase kiye the Vijay ne, aur 20% dividend declare kiya hai, so 20% I will get answer rupees 3000, matlab Suresh ko Vijay ko dividend milega 3000. ab isne invest kitna kiya tha, pehle uska investment nikal lete hain. Vijay ne 150 शेयर परचेस किए थे और एक शेयर का वैल्यू था, मार्केट वैल्यू था 120, सो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 150 इंटू 120, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 18,000. 150 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ आई विल गेट 18,000. तो 18,000 इन्वेस्ट करने के बाद उसे रिटर्न मिला है 3,000. तो अब निकालते हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न. सो रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, सो 3,000 upon 18,000 into 100, I will get my answer as 16.6666. ऐसे आंसर होगा, तो हमें उसे राउंड ऑफ करना है. अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, जैसे अभी इधर आया था 16.666, लास्ट डिजिट थर्ड डिजिट 6 था, जो 5 या 5 से बड़ा होगा तो आपको प्रीवियस डिजिट 1 नंबर से इंक्रीज कर देना है. दैट्स वाई इधर मेरा रेट ऑफ रिटर्न आ गया 16.67%. सेवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन इज लाइक एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. चलो इसका आंसर देखते हैं किस तरह आएगा. इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू इज रुपीज 75, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर आपके शेयर का फेस वैल्यू 100 था लेकिन आज उसका मार्केट वैल्यू 75 रुपीज है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द शेयर इज एट प्रीमियम 175, द शेयर इज एट डिस्काउंट रुपीज 25 एंड द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 25. मैंने पहले ही तीन क्वेश्चन में आपको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि हम इसे क्या कहेंगे. सो माय करेक्ट आंसर विल बी द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 25. ये आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 20%, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रुपीज 200, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी. अगेन मैं आपको अगेन ये बताना चाहता हूँ, बी केयरफुल, आपको डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं निकालना है. सो मैं 100 का अगर 20% निकालूँ तो आई थिंक मेरा आंसर 20 रुपीज होना चाहिए. लेट्स सी द ऑप्शन. इधर ऑप्शन है रुपीज 40, रुपीज 120 एंड रुपीज 20. देखो 40 आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है. कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि 200 का 20% 40, नहीं, आपको हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकालना होता है. सो 100 का 20% रुपीज़ 20. सो करेक्ट आंसर इज रुपीज़ 20. सी अपना करेक्ट आंसर है. सो मूविंग टू आवर नाइन्थ क्वेश्चन, रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज, आपके ऑप्शन है 5%, 18% और 28%. ये हमेशा याद रखो, गवर्नमेंट आपको ब्रोकरेज पे जो परसेंटेज चार्ज करता है वो फिक्स है, दैट इज 18%. सो करेक्ट आंसर इज बी 18%. नाउ 10th क्वेश्चन, मिस्टर अनिल परचेज 10 शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू रुपीज 125. इफ 2% ब्रोकरेज चार्ज बाय ब्रोकर, व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अनिल. देखिए अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जो मिस्टर अनिल है इसने ब्रोकर से शेयर परचेज किए हैं. अब डेफिनेटली इसको शेयर का पैसा भी देना होगा और ब्रोकर, वाया ब्रोकर इसने ये शेयर्स परचेस किए हैं, तो ब्रोकर को भी उसको एक शेयर के पीछे 2% ब्रोकरेज देना है. मतलब अभी ये शेयर का वैल्यू हमें दिखा रहा है मार्केट वैल्यू 125, लेकिन मिस्टर अनिल को 125 प्लस 125 का 2% ब्रोकरेज ऐड करके एक शेयर के पीछे उतना पैसा पे करना होगा. मिस्टर अनिल ने टोटल 10 शेयर परचेस किए हैं, सो लेट्स सी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा मिस्टर अनिल का. सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 125, 2% ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 125, अगर 125 का मैं 2% ब्रोकरेज निकालू, दैट इज 125 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, आई विल गेट ब्रोकरेज रुपीज 2.50. इसका मतलब मिस्टर अनिल को ये शेयर का जो 125 वो तो पे करना ही है, अलग से उसे पे करना है रुपीज 2.50. इसका मतलब मिस्टर अनिल को ये एक शेयर
125 प्लस 2.50 टोटल पे करने होंगे 127.50 फॉर वन शेयर, लेकिन मिस्टर अनिल ने टोटल 10 शेयर परचेज किए हैं, सो टोटल वैल्यू ऑफ 10 शेयर 127.50 इंटू 10 दैट इज रुपीज़ 1275। अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ अगर इस क्वेश्चन में जीएसटी भी होता तो वो जीएसटी हम कैसे निकालते और किस पे निकालते। जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी फॉर ब्रोकरेज 18% होता है, तो आपको वो सिर्फ ब्रोकरेज पे निकालना है। मतलब इधर अनिल का टोटल ब्रोकरेज एक शेयर के पीछे ब्रोकरेज गया है 2.50 रुपीज़, उसने टोटल 10 शेयर परचेज किए हैं, इसका मतलब 10 शेयर के पीछे उसका ब्रोकरेज गया होगा 2.50 इंटू 10 दैट इज रुपीज़ 25, और उस 25 का हम 18% निकालेंगे, वो जो भी आंसर आएगा 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 जो भी आंसर मुझे मिलेगा, आई थिंक मुझे आंसर मिलेगा 4.50 रुपीज़। वो 4.50 भी इधर 1275 में ऐड हो जाता अगर ये क्वेश्चन में आपको जीएसटी भी दिया होता तो ये समझ लीजिए शेयर के केस में जीएसटी टोटल अमाउंट पे नहीं लगता है, ओनली ब्रोकरेज अमाउंट पे लगता है। तो इधर हम 2.50 एक शेयर का ब्रोकरेज है, सो 10 शेयर का ब्रोकरेज हो गया 25 रुपीज़ पे हम 18% ब्रोकरेज निकालते और हमारा फाइनल आंसर थोड़ा अलग होता 1275 प्लस दैट 18% ब्रोकरेज ऑन रुपीज़ 25। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग 2 में आपको शेयर्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो एक्सप्लेन किए हैं। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सो दैट आने वाले बहुत सारे यूज़फुल वीडियो का बेनिफिट आप उठा सकोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।